सो दिस इज रिलायंस और अपमूव। आप अगर इसमें देखेंगे दिस वाज आवर बेस जो करेक्ट होके आया, प्राइस नीचे फिर ऊपर गया, डबल बॉटम बनाया। जो अगला बेस बना आपको इधर बना, बेस नहीं है ये, अगर मैं बोलूंगा थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा तो बेस ये था। ये बड़ा कैंडल, एक ब्लो ऑफ कैंडल जिसे बोलते हैं, प्राइस आया नीचे और यहाँ पे बियर्स को ट्रैप किया और फाइनली एक अच्छा खासा सही। कहाँ रुका प्राइस? प्राइस रुका इधर के, और फिर यहाँ से एक करेक्शन आया और इस बार यहाँ पे बेस बनाया। आप अगर ऐसे इसको से देखोगे ये एक सपोर्ट जोन था जो यहाँ पे एक आइलैंड टाइप का बना। ऑल्दो ये गैप फिल्ड है बट एक आइलैंड टाइप का, उसी को सपोर्ट लेके प्राइस एक ठीक ठाक बेस बनाया। डेली कैंडल ही है, 15 मिनट 5 मिनट नहीं है, डेली कैंडल पे ठीक ठाक बेस बनाया। अब थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं। आप देखो यहाँ पे एक गैप बना, सेम इधर भी, इधर यहाँ पे ये एक जोन में गैप बना था, दिख रहा है काफी रेजिस्टेंस है। उसके पहले यहाँ पे देखेंगे यहीं पे एक गैप बना। तो अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है, दिस 1958 वाज वेरी इंपॉर्टेंट, 1960 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था जिसको तोड़ने के लिए लास्ट टाइम भी काफी बड़ा कैंडल आया। फिर जैसे ही यहाँ आया एक गैप बना और फिर जब यहाँ पे अगर गैप डाउन, यहाँ पे आप देखो ये क्लोजिंग, ये ओपन, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया फेल, नीचे प्राइस, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया फेल। इस बार क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, इसके एकदम सस्टेंड ऊपर गया और इस बार गैप अप हो गया इधर, और इस बार 1 2 3 4 5 6 7 दिन ऊपर रहा, फिर आया इस गैप को पूरी तरह से फिल करने। और गैप को फिल, इस बार यहाँ पे वॉलिटिलिटी कम रही, यहाँ पे सेल ऑफ तो आया बट ये मेरे को लगता है सिर्फ इस गैप को फिल करने आया। और कल एक छोटा सा कैंडल जिसे हम बुलिश हरामी बोलते हैं उसको बनाया, और आज अगेन इस